बड़प्पन दिखाया है वो ठीक है, लेकिन डीजीपी क्या कर रहे हैं? ऐसा हो क्यों रहा है? हत्याएं क्यों हो रही है? आखिर उनका प्रशासन का तंत्र क्या कर रहा है? ये सवाल उठता है। जदयू के नेता की भी हत्या, पार्टी के नेता का हत्या। हाँ, मैंने बोला जदयू का हुआ है और लोगों का भी हो रहा है। ये तो उनको रहना दिखा रहा है प्रशासन का तंत्र, ये माननीय मुख्यमंत्री को सोचना होगा। और अगर आपको ठीक करना है तो डीजीपी को हटाइए और डीजीपी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। कारण फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं आपके साथ रंजन सिंह। बीते दिन जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड के नेता दानापुर में उनकी हत्या हो गई और जिसके बाद अब बिहार की सियासत एक बार फिर से तेज हो गई। जनता दल यूनाइटेड की बात करें तो सत्ता में है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर उसके एक दिन ठीक पहले एक युवक ने हमला किया। आखिरकार बिहार में हो क्या रहा? ये सवाल है इसलिए क्योंकि लगातार जो हत्या हो रही है, मुख्यमंत्री के ऊपर हमला हो रहा है, आखिरकार ये बिहार में चल क्या रहा है? ये सवाल जनता दल यूनाइटेड से नेताओं से भी पूछा जाएगा, लेकिन फिलहाल कांग्रेस के विधायक दल के नेता अजीत शर्मा से ये सवाल किया गया कि आखिरकार बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला हो रहा है, उनके ही पार्टी के नेता की हत्या हो रही है, तो आखिरकार बिहार में क्या हो रहा है? उन्होंने स्पष्ट रूप से जिम्मेवार डीजीपी को ठहराया। उन्होंने कहा कि बिहार में हत्या कहाँ नहीं हो रही है, उस जगह का नाम बताइए जहाँ हत्या नहीं हो रही है। बिहार में हर जगह पर मर्डर, हत्या, इस तरह की घटनाएँ हो रही है। और देखिए कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर हमला हुआ और उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उस लड़के को छोड़ दिया, और हालांकि जांच फिलहाल हो रही है कि उसे किसने कहा और क्यों कहा, क्यों मारा उसने, ये जांच की विषय है और जांच अभी चल रही है। लेकिन सवाल ये कि आखिरकार मुख्यमंत्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई और सत्ता में बैठे हैं जो नेता उनकी हत्या हो जा रही है, तो आम जनता और जो विपक्ष के जो नेता हैं उनका क्या होगा? ये सवाल उठा रहे हैं। जो जिस तरीके से कहा जाए तो कांग्रेस विधायक दल के नेता का ये सवाल है कि आखिरकार डीजीपी क्या कर रहे हैं, डीजीपी को सस्पेंड करना चाहिए या तो उनसे जवाब तलब करना चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के विधायक दल के नेता, जरा सुनिए। क्या तो बहुत हो रही है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री पर जो एक लड़के ने जो किया है और सिक्योरिटी क्या कर रहा था, ये तो डीजीपी को जवाब देना चाहिए। हम लोग से आप पूछ रहे हैं, आखिर पूरा प्रशासन का तंत्र फेल है, यहाँ सिर्फ इनकी बात क्या कर रहे हैं? पूरे बिहार में देखिए हत्या हो रही है, और माननीय मुख्यमंत्री को इसका जवाब देना चाहिए, सदन में बोलना चाहिए। आखिर उन पर जो अटैक हुआ वो कैसे हुआ? आखिर डीजीपी ने जो सिस्टम लगाया उसका सिस्टम कोलैप्स है पूरा, इसलिए डीजीपी में कार्रवाई होनी चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री ने तो उस लड़के को भी छोड़ दिया। नहीं, बिल्कुल ठीक किया। देखिए ऐसा है ना, वो तो मुख्यमंत्री हैं, पूरे बिहार ने चुना है, वो लड़का ने क्या, किसके कहने पर क्या, जांच तो चल ही रहा है। बिल्कुल मारने से फायदा नहीं है, उसने गलती किया तो क्या आप भी गलती करोगे? सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री ने अपने बड़प्पन दिखाया है वो ठीक है, लेकिन डीजीपी क्या कर रहे हैं? ऐसा हो क्यों रहा है? हत्याएं क्यों हो रही है? आखिर उनका प्रशासन का तंत्र क्या कर रहा है? ये सवाल उठता है। जदयू के नेता की भी हत्या, पार्टी के नेता की हत्या। हाँ, मैंने बोला जदयू का हुआ है और लोगों का भी हो रहा है, ये तो उनको रहना दिखा रहा है प्रशासन का तंत्र, ये माननीय मुख्यमंत्री को सोचना होगा। और अगर आपको ठीक करना है तो डीजीपी को हटाइए और डीजीपी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए।